जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण विभाग की अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यह बैठक उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 17 मई को लागू हुई थी, जो कि 2022 में 17 मई को समाप्त हो रही है। इस योजना में ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी प्लांट लगेंगे यह कमेटी तय करेगी, जिसका बैठक लिया गया है। इस यूनिट में 80 लाख प्लांट मशीनरी में है, इसलिए कमेटी 20 लाख की अनुमति करेगी, जिसकी सहमति बन चुकी है, जो कि देय होगा, जिसको मुख्यालय भेजा जाएगा। इस अवसर पर रक्षा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड के वैभव त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने कहा, पर्याप्त मात्रा में सभी लोग इंडस्ट्रियल यूनिट को पता चल गया है। हाँ, तो कितने आवेदन आए हैं? आवेदन सर फूट नहीं पाए थे, उनमें सारा उनके चले गए, मुख्यालय से भी हो गया, शासन को होने वाला सर वो चेक करा। कौन सी यूनिट को? मैं फिलहाल सीम किया नहीं है, ये सर पूछी नहीं है, फाइलों में इनकी फाइल आई है सर, सैटरडे में 20 लैक्स कैसी लैक्स बैंक से भी सर आए कौन से बैंक करा दीजिए और क्यों इतने लिखी है लिखना है कोई और नहीं है क्यों? ऑक्सीजन के लिए फाइल सिर्फ ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन ठीक है अभी तो कोई। मैं रवि कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग गोरखपुर। ये बैठक उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना तो 17 मई को लागू हुई थी और इस 17 मई तक ही है ये। इसमें ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी प्लांट लगेंगे उसमें प्लांट और मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका 25% या 10 करोड़, विच एवर लेस, क्योंकि इस यूनिट में 80 लाख प्लांट और मशीनरी में है, तो 20 लाख इनको ये कमेटी अनुमति करेगी, जो सहमति बन चुकी है इनको दे होगा। इस संस्तुति के साथ इसको मुख्यालय भेजा जाएगा।